Ja, teraz ja teraz są górę. तो ये जो द कश्मीर फाइल करके फिल्म जो है अभी हम लोग देख के बाहर निकले हुए हैं, तो बहुत जल्दी ही हम आपको ऐसा इंटरव्यू दिखाएंगे जो आप बीती जो है अहमदाबाद में रह रहे ऐसे कश्मीरी पंडितों के जो। नमस्कार मित्रों, आप देखे पीएनजी न्यूज 24। जैसे कि इससे पहले वाला एपिसोड में मैंने बताया था कि हम आपका जो इंटरव्यू जो है कि ऐसे कश्मीरी पंडित से कराएंगे जो उस समय उनको ये जो माहौल जो है द कश्मीर फाइल में जो बताया गया वैसे सिचुएशन में जो है उनको अपने खुद का जो घर छोड़ के मात्र 17 साल की उम्र में जो है उनको आना पड़ा था। तो वो जो है कश्मीरी पंडित जिनका नाम है अनिल साली जो अहमदाबाद में रह रहे हैं, तो चलिए उनसे ही पूछते हैं। सर पीएनजी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जो आपके जो मात्र 17 साल के जो एज में आपको छोड़ के अपना खुद का जो घर आना पड़ा उसके विषय में हमारे दर्शकों को जो पूरा जो डिटेल से बताइए। ये तो अब तो 32 साल हो गए हमें विस्थापित हुए। हम शुक्रगुजार हैं विवेक अग्निहोत्री जी का कि उन्होंने अपने इस माध्यम के द्वारा ये सबको पूरे जगत को बता दिया कि हमारे साथ क्या बीती है। हम तो छत के मंजिलों पे जाते जाके बोलते थे कि नहीं हमारे साथ क्या हुआ। आई थिंक हमें स्पेशल थैंक यू विवेक जी कि आपने सब जगत को बता दिया कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। भले ही आपने 1% ही यूज किया होगा जो वहां पे व्यक्तिगत हर किसी एक कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है, वे आपने अपने माध्यम से सबको बता दिया। आई थिंक आज ऐसा दौर आ गया है कि सारा विश्व हमारे साथ है। थैंक यू अगेन विवेक जी। ऐसी घटनाएं हुई थी कि 1989 में शुरुआत थी, इतना कह सकते हैं कि शुरुआत ऐसी हुई कि उन्होंने चुन चुन के कश्मीरी पंडितों के घरों के आगे नोटिस चिपका दिए, भाई रिलीव गली टू सेल्यू। आज ये वो हो गया कि या तो मिक्स हो जाओ हमारे साथ, कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो भाग जाओ, नहीं तो हम आपको मार देंगे। पहला बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हुआ? हमारे घर में हुआ था पहला बॉम्ब ब्लास्ट, क्योंकि हमारी जो पूरी कॉलोनी थी, पूरी हिंदू पंडित की, कश्मीरी पंडित की कॉलोनी थी, ये शुरुआत थी हमारे विस्थापन होने का। तो आपका जो कॉलोनी का नाम देना चाहेंगे? जरूर देना चाहूंगा। हमारा जो एरिया था वो पूरे कश्मीर में एक ही पूरा हिंदू जहाँ कश्मीरी पंडित रहते थे गणपति यार एरिया, वहाँ गणेश जी का एक प्रसिद्ध मंदिर था। बोलते ही हमारी जो हमारे नशे हैं वो रुक जाती हैं, बट आज ऐसा दौर है कि हमें आपके माध्यम से ये बोलना पड़ता है कि भाई जो हुआ ठीक नहीं हुआ। आज हमारा ऐसा यकीन है कि मोदी जी का सरकार हुआ एटलीस्ट एक सहारा है कि हमारे एटलीस्ट कश्मीरी हिंदू भाई बहनों को कुछ एटलीस्ट एक होप है कि चलो 370 की धारा कट गई, चलो आगे जो होने वाला हम अगेन आशा करते हैं कि अगेन हम अपने घरों में वापस जाए। कौन अपना घर छोड़ के जाता है? एक हफ्ते के लिए आप होटल में रुकते हो पिकनिक के लिए, या कहीं एक्सकर्शन जाते हो, या कोई स्टे के लिए कहीं जाते हो, तो 7 दिन में ही तंग आते हो। हमें तो 32 साल लगे अपना घर वतन जानने के, कश्मीर का नाम ही सुन के हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बहुत सारे जो ऐसे मुस्लिम संगठन है या राजनीतिक पार्टी है वो लोग मीडिया के सामने ऐसे भी बोले कि इसमें जो कुर्बानियां जो है सिर्फ कश्मीरी पंडितों ने नहीं दी, मुस्लिमों ने भी दिए। तो क्या ये बात को आप सच मान रहे हैं? 1% ही सच है? कोई सच नहीं है। इन्होंने माहौल इन्होंने शुरू कर दिया, वहां पे हिंदू मुस्लिम का कभी तो हुआ ही नहीं था। हम तो हिंदू कश्मीरी पंडित 1% माइनॉरिटी में थे, तो ये कहां से आ गया कि हमने भी भुगता है? शुरुआत इन्होंने किया है, शायद इस कारण जो शुरुआत करते हैं शायद वो भुगता भी होगा उन्होंने। परंतु जो हमारी 1% कमी थी वो तो पूरे उजड़ गए हैं। हमारे जो गांव में रहने वाले थे उनका तो कुछ न बाग रहा न बगीचा रहा, वो कर रहे क्या? चलो गवर्नमेंट 5,000 देगी या 10,000, उसमें क्या थोड़ी चलता है, पूरी जिंदगी थोड़ी कट जाएगी। जैसे कि आप अभी गुजरात में रह रहे हैं, तो जैसे कश्मीर पंडित होने के नाते आपसे गवर्नमेंट ने कुछ कांटेक्ट करने के लिए आपको जो घर वापसी का जो मुहिम जो चला के रखा है सरकार ने 370 के बाद में, तो कुछ ऐसा कांटेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है? मैं नहीं कह सकता कि कोई कनेक्ट हुआ है, बट हर किसी चीज को जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है उसको
हटाने के लिए एक समय लगता है। चलो 2019 में मोदी जी ने तो 370 धारा की हट दी, आशा है कि इसमें आते आते एग्जीक्यूशन करने में तो थोड़ा समय लगता है। हमें आशा है कि मोदी जी के सरकार के या माध्यम के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, तो हमें आशा है कि हम कश्मीर वापस चले जाएंगे। अगर मान लीजिए कि कोई कश्मीरी पंडित वापस जाता है तो क्या वो उतना ही सेफ रहेगा जो पहले जैसे है? अगर इस माहौल में कह रहे हैं कि सेफ तो नहीं रहेगा, आप तो पूरी न्यूज में भी देखते होंगे आज इस पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, एक नीट की एस्पिरेंट थी जिसको दिन दहाड़े उसको शूट कर दिया गया, तो कैसे आप ये कह सकते हो कि सिक्योरिटी मिलेगी, ये बिना इसके हम जा सकते हो? एक माहौल बनाना पड़ेगा कि हमें घर वापसी के लिए, जिसको कहते हैं घर वापसी। अनुपम खेर जी, जैसे कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी लोगों के लिए काफी उन्होंने प्रयास किया, बहुत सारे जो एनजीओ वगैरह जो चलाते रहे हैं, और सरकार पे कहीं ना कहीं तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश की जिससे कश्मीरी पंडितों को जो है उनके घर वापसी के लिए, इस मुहिम में उनका बहुत ही बड़ा रोल है। तो आप अनुपम जी को जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं थैंक यू बोलूंगा अनुपम जी को कि इन्होंने ऐसा किरदार निभा कर दिया, जो रियल फैक्ट पे किरदार अदा कर दिया। आई थिंक इनको ही थोड़ा हमें एक सहारा देना पड़ेगा, इनके मीडियम के थ्रू बीइंग ए बॉलीवुड एक्टर, इनको एक सहारा देना पड़ेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये कश्मीरी पंडित खुद भी है, इनके माध्यम से इनको पूरे वर्ल्ड को बताना चाहिए कि भाई आगे रास्ता क्या करना। आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल टू अनुपम जी कि आगे का रास्ता वो लीड करे। तो सर, जैसे विवेक अग्निहोत्री ने ये फिल्म जैसे बनाया है, तो फिल्म इंडस्ट्री जो है देखा जाए तो अभी दो भागों में बट गया है। एक जो इनका जो सपोर्ट करने वाला उनका जो संख्या बहुत ही कम है, और जो इसका फिल्म का विरोध करने वाले या विवेक जी का विरोध करने वाले बहुत सारे हैं। तो पब्लिक को आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि जैसे उनको सपोर्ट करे विवेक जी को? मैं कहूँ सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और सच्चाई को जगत के सामने लाने के लिए एक कलेजा चाहिए, जो विवेक जी ने लाया है, कलेजा किया है। इससे पहले भी एक और डायरेक्टर थे जिन्होंने मिशन कश्मीर पे शुरू किया था, बट वो लव ट्रायंगल था। इसने 1% भी, इसको मैं मूवी नहीं कह सकता, इसको मैं रियल फैक्ट कह सकता हूँ कि भाई हमारे साथ जो घटनाएं घटी हैं वो जगत के सामने रखी है। तो यही मेरा एक रिक्वेस्ट है फिल्म जगत से कि एटलीस्ट रियल फैक्ट्स को सपोर्ट करे, और एटलीस्ट कुछ डायरेक्शन दे दे सारे कश्मीरी पंडित को, वो अपने घर एकदम खुशी खुशी जाए। तो अभी आप अनिल साली जी के साथ में इंटरव्यू देख रहे थे, और नेचुरली कोई भी जो है इतने सालों से जो अपने घर द्वार छोड़ के आए तो कहीं ना कहीं इमोशनल हो ही जाता है इस बात करते समय। तो वैसे भी आप अनिल जी को भी देखे, तो हर एक न्यूज देखने के लिए PNG News 24 के साथ में बने रहिए। थैंक यू।